हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ची क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही प्रेटी निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ, जिसे हम अपनी किसी भी कार्डिगन पे, जैकेट पे, स्वेटर पे डाल सकते हैं। ये टोटल 12 रोज का पैटर्न है और ये 6 के मल्टीपल और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच में बन के तैयार हो जाता है। ये राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाई देता है और ये रॉन्ग साइड से ऐसे दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट द पैटर्न। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द पैटर्न, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपने नीडल पे टोटल 15 स्टिचेस लिए हैं, 6 का मल्टीपल 12 एंड प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट रो, राइट साइड स्लिप द एच स्टिच। एच स्टिच को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। आफ्टर दैट पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड द पैटर्न इज यार्न इन फ्रंट, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 स्टिचेस उल्टे, 1, 2 एंड 3, देन यार्न इन बैक। अब हम एक स्टिच से 5 स्टिच बनाएंगे। वी विल मेक 5 स्टिचेस फ्रॉम 1 स्टिच लाइक दिस। इसे सीधा बुनेंगे, ऐसे निट द स्टिच, इसे ड्रॉप नहीं करेंगे। अगेन यार्न ओवर किया, निट दिस स्टिच अगेन, अगेन यार्न ओवर किया, हमने 2 टाइम यार्न ओवर कर लिया, फिर से इसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 5 स्टिचेस बन गए। नाउ ड्रॉप दिस स्टिच, अब इसे हमने ड्रॉप कर दिया। यार्न इन फ्रंट, पर्ल 2 स्टिचेस उल्टे। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। पूरी रो में हमने अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाना है। एंड द रिपीट पैटर्न इज पर्ल 3 स्टिचेस उल्टे, यार्न इन बै, फ्रॉम 1 स्टिच वी विल मेक 5 स्टिचेस, निट दिस स्टिच, इसे ड्रॉप नहीं करेंगे, यार्न ओवर, अगेन निट दिस स्टिच, फिर से सीधा बुना, अगेन यार्न ओवर किया, निट दिस स्टिच। यहाँ पे अब हमारे पास 5 स्टिचेस बन गए, ड्रॉप दिस स्टिच, देन यार्न इन फ्रंट, पर्ल 2 स्टिचेस उल्टे। ये हमारे पास 2 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस बचेंगे, तो उसका क्या करेंगे, 1 स्टिच को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 1 स्टिच, यार्न इन बैक, निट द एज स्टिच, एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो, रॉन्ग साइड, जो स्टिच हमें सीधा दिखाई देगा उसे हम सीधा बुनेंगे, जो हमें उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुनते जाएंगे। 1, 2 एंड 3, यार्न इन फ्रंट, पर्ल 5 स्टिचेस, 3rd रो, रॉन्ग साइड स्लिप द एच स्टिच। एच स्टिच को हमने स्लिप कर लिया, देन हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। एंड द पैटर्न इज यार्न इन फ्रंट, पर्ल 2 स्टिचेस उल्टे, यार्न इन बैक। अब यहाँ पे एक स्टिच हमारा सीधा है, एक उल्टा है, निट एंड पर्ल, इनका 2 का 1 बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 का 1 बना लिया ऐसे करके, देन निट 3 स्टिचेस टुगेदर, 3 स्टिच हमने सीधे बुन लिए। अगेन यहाँ पे एक सीधा स्टिच है, एक उल्टा स्टिच है, ये जो सीधा स्टिच है निट स्टिच, उसे ट्विस्ट करके अगेन लेफ्ट नीडल पे डाला, एंड थ्रो द बैक लूप, वी विल मेक निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 का 1 बना लिया पीछे की तरफ से, देन यार्न इन फ्रंट, पर्ल 1 स्टिच, 1 स्टिच उल्टा। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। पूरी रो में हमने अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाना है। एंड द रिपीट पैटर्न इज पर्ल 2 स्टिचेस 1 एंड 2, 2 स्टिचेस उल्टे, यार्न इन बैक, निट 2 स्टिचेस टुगेदर, थ्रो द फ्रंट साइड लाइक दिस, देन निट 3 स्टिचेस सीधे, देन अगेन यहाँ पे एक सीधा स्टिच है, एक उल्टा स्टिच है, निट स्टिच को ट्विस्ट करके अपनी लेफ्ट नीडल पे डाला, एंड थ्रो द बैक लूप, 2 का 1 बनाया, निट 2 स्टिचेस टुगेदर, थ्रो द बैक लूप, देन यार्न इन फ्रंट, पर्ल 1 स्टिच। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस बचेंगे, तो 1 स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे, यार्न इन बैक, निट द एज स्टिच, एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। 4th रो हम वैसे ही बनाएंगे, जो स्टिच हमें सीधा दिखाई देगा उसे हम सीधा बुन लेंगे, जो स्टिच हमें उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुनते जाएंगे। 5th रो,
स्लिप द एस स्टिच, एस स्टिच को स्लिप किया, देन यार्न इन फ्रंट पर्ल वन स्टिच, एक स्टिच उल्टा बुना, ये हमारा पैटर्न शुरू है। द पैटर्न इज पर्ल वन स्टिच, देन यार्न इन बैक, फिर से एक स्टिच सीधा है, उल्टा है, दो का एक बनाएंगे आगे की तरफ से, निट टू स्टिचेस टुगेदर, देन निट थ्री स्टिचेस, थ्री स्टिचेस सीधे। अब यहाँ पे एक सीधा है कि उल्टा स्टिच है, निट एंड पर्ल सीधे स्टिच कैसे ट्विस्ट करके अपनी लेफ्ट नीडल पे डाला एंड थ्रो द बैक लूप, वी विल मेक निट टू स्टिचेस टुगेदर, दो का एक बना लिया, देन यार्न इन फ्रंट, दो का एक बना लिया। यही पैटर्न अपनी पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे एंड द रिपीट पैटर्न इज यार्न इन फ्रंट पर्ल वन स्टिच, एक स्टिच उल्टा, यार्न इन बैक, इन टू स्टिचेस को आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर, देन निट थ्री स्टिचेस, थ्री स्टिचेस सीधे, फिर से एक स्टिच सीधा है और एक उल्टा है, से ट्विस्ट करके लेफ्ट नीडल पे डाला एंड थ्रो द बैक लूप, दो का एक बना लिया ऐसे करके। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो। लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस बचेंगे, तो यार्न इन फ्रंट पर्ल वन स्टिच, एक स्टिच उल्टा, यार्न इन बैक, निट द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच सीधा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ रो, सिक्स्थ रो सेम बनाएंगे, जो स्टिच सीधा दिखाई देगा उसे हम सीधा बुन लेंगे, जो स्टिच हमें उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुनते जाएंगे। सेवंथ रो, सेवंथ रो में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टुकड़ी बन गई अब इसे हम यहाँ पे बनाएंगे, आधी इधर बनेगी और आधी इधर बनेगी, यहाँ पे हम पूरी नहीं बनाएंगे, आधी इधर बनाएंगे, आधी इधर बनाएंगे। तो स्लिप द एस्टिच, एस्टिच को हमने स्लिप कर लिया, यहाँ पे हमारा एक उल्टा स्टिच है, यहाँ पे अब हम थ्री स्टिचेस बनाएंगे, एक स्टिच में से वी विल मेक थ्री स्टिचेस, इसे सीधा बुना, निट दिस स्टिच, देन यार्न ओवर किया, फिर से इसे सीधा बुन लिया, निट दिस स्टिच, यहाँ पे हमारे पास थ्री स्टिचेस बन गए, अब इसे ड्रॉप कर दिया। अब इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा एंड द रिपीट पैटर्न इज यार्न इन फ्रंट पर्ल फाइव स्टिचेस, फाइव स्टिचेस उल्टे, देन यार्न इन बैक। अब वन स्टिच से हम फाइव स्टिचेस बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, फ्रॉम वन स्टिच वी विल मेक फाइव स्टिचेस, यार्न ओवर, निट दिस स्टिच, सीधा बुना, अगेन यार्न ओवर किया और इसे सीधा बुन लिया, यहाँ पे अब हमारे पास फाइव स्टिचेस बन गए तो इसे हमने ड्रॉप कर दिया। यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव स्टिचेस उल्टे, देन यार्न इन बैक। यहाँ पे भी हम अपनी आधी टुकड़ी ही बनाएंगे इस स्टिच में से, जो लास्ट वाले स्टिचेस हैं यहाँ पे अब हम एक स्टिच से थ्री स्टिच बनाएंगे, देन यार्न ओवर, अगेन थ्री स्टिचेस, अब इसे हमने ड्रॉप कर दिया, देन निट द एच स्टिच, एच स्टिच को हमने सीधा बुन लिया। एट रो हम वैसे ही बनाएंगे, जो स्टिच हमें सीधा दिखाई देगा उसे सीधा बुन लेंगे, जो हमें उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। नाइन्थ रो, स्लिप द एच स्टिच, एच स्टिच को स्लिप किया, आफ्टर दैट आर पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड द पैटर्न इज निट टू स्टिचेस सीधे। अब यहाँ पे एक हमारा सीधा स्टिच है, एक उल्टा है, निट एंड पर्ल। अब ये जो सीधा स्टिच है इसे ट्विस्ट करके अपनी अगेन लेफ्ट नीडल पे डाला एंड थ्रो द बैक लूप, दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर, थ्रो द बैक लूप, देन यार्न इन फ्रंट पर्ल थ्री स्टिचेस उल्टे, देन यार्न इन बैक। अब ये एक सीधा स्टिच है और एक ये उल्टा स्टिच है, इन्हें आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रो द फ्रंट साइड, देन निट वन स्टिच, एक स्टिच सीधा। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हमने अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाना है एंड द रिपीट पैटर्न इज निट टू स्टिचेस सीधे, देन ये एक सीधा स्टिच है, उल्टा स्टिच है, इसे ट्विस्ट करके अपनी ऐसे लेफ्ट नीडल पे डाला एंड थ्रो द बैक लूप, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रो द बैक लूप, दो का एक बना लिया, यार्न इन फ्रंट पर्ल थ्री स्टिचेस
उल्टे देन यान इन बैक इन टू स्टिचेस को आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाया, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू द फ्रंट साइड देन निट वन स्टिच, एक स्टिच सीधा। लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस बचेंगे तो इन्हें हम सीधा ही बुन लेंगे, निट द लास्ट टू स्टिचेस। टेंथ रो सेम वैसे ही बनाएंगे, जो स्टिच हमें सीधा दिखाई देगा उसे हम सीधा बुन लेंगे, जो उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। इलेवेंथ रो स्लिप द एड स्टिच, एड स्टिच को हमने स्लिप कर लिया। आफ्टर दैट आर रिपीट पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड द पैटर्न इज निट टू स्टिचेस सीधे, देन ये हमारा सीधा स्टिच है, उल्टा स्टिच है, इसे ट्विस्ट करके लेफ्ट नीडल पे डाला और इसका दो का एक बनाया, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू दी बैक लूप लाइक दिस, देन यान इन फ्रंट पर्ल वन स्टिच एक स्टिच उल्टा, देन यान इन बैक, अब इन टू स्टिचेस को एक सीधा और एक उल्टा, आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू दी फ्रंट साइड देन निट वन स्टिच एक स्टिच सीधा। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे एंड द रिपीट पैटर्न इज निट टू स्टिचेस सीधे, निट स्टिच को ट्विस्ट करके लेफ्ट नीडल पे डाला एंड थ्रो द बैक लूप, निट टू स्टिचेस टुगेदर दो का एक बनाया, यान इन फ्रंट पर्ल वन स्टिच एक स्टिच उल्टा, यान इन बैक, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रो दी फ्रंट साइड, आगे की तरफ से दो का एक बनाया, निट वन स्टिच एक स्टिच सीधा। लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस बचेंगे तो एक स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे, निट दिस स्टिच और एज स्टिच को भी सीधा ही बुन लेंगे। 12th row सेम हम वैसे ही बनाएंगे, जो स्टिच हमें सीधा दिखाई देगा उसे सीधा बुन लेंगे, जो हमें उल्टा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। सो फ्रेंड्स आफ्टर द 12 रोज ये पैटर्न हमारे पास ऐसे बन के तैयार हो गया। इसके बाद फिर से हम अपनी 1-12 रो रिपीट करते जाएंगे तो हमें कंटिन्यूसली अपना खूबसूरत सा ये पैटर्न ऐसे करके मिल जाएगा। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉइंग निटिंग विद अस।